स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट में इंटरनल क्या होंगे? ये थैलाकॉइड्स होंगे, ये हमारी स्टार्च गेन है, ग्रेन है, स्टोर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हमारा स्टोर करेंगी। ये हमारा ग्रेनम है, जो क्या है, थैलाकॉइड स्टार्च टुगेदर टू फॉर्म आ ग्रेनम कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी इसमें ग्रेनम कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। जो ग्रेनम है उसका काम क्या है, ग्रेनम का काम होता है जो सोलर लाइट है या सनलाइट जो है उसको ऑब्जर्व करना, उसको ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व करना। और क्लोरोफिल का काम होता है ऑब्जर्व हुई सोलर लाइट से केमिकल फॉर्मेशन, यानी केमिकल सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, इसमें जितना भी लिक्विड पार्ट भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर ये आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए दिया गया है। मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सर्कुलर डीएनए होगा। नेक्स्ट, ये जितना भी हमारा इंटरनली पार्ट है वो क्या है, स्ट्रोमा है। साथ ही साथ ये देखिए 70 एस राइबोसोम दिए गए, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे वन थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर है। एक थैलाकॉइड में मैंने बताया ग्रेनम होते हैं, ये जो डिक्स लाइक ऊपर स्ट्रक्चर दिखती है ग्रेनम है। हर ग्रेनम में क्वांटासोम्स होते हैं और हर क्वांटासोम में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसका ग्रीन कलर होता है, और यही ग्रीननेस जो है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, यानी फोटोसिंथेसिस कराते हैं। दो मेम्ब्रेन मैंने बताई थी, डबल मेम्ब्रेन है हमारा, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये हमारी ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं जो इसमें पाई जाएंगी। ये ओस्मोफिलिक होंगी जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगी हमारी,